बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अज असा फर्स्ट ईयर जो चैप्टर नंबर टू शुरू कंदासीं, आयो ने जो लेक्चर नंबर वन। सो क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू लेक्चर नंबर वन। सेकेंड चैप्टर में आ मैटर आई स्टेट ऑफ मैटर। मैटर से हम का शे जगह वाले वजन रखे दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर लिविंग बुंदा नॉन लिविंग बुंदा बुक को चेयर नॉन लिविंग मैटर एनिमल्स प्लांट्स लिविंग मैटर तो मैटर छाए एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एनीथिंग occupy space and has mass काव शे जगह वाला रे आई वजन के तवन के मैटर जे बो आए। मैटर जा असा ट्रे स्टे लिखे रहन प्लाज्मा बचीवा नंबर 4 ता स्टेट ऑफ मैटर केड़ा है गैसा लिक्विडा सोलिडा प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस तहिया स्टेट ऑफ मैटर्स। अच्छा हाँ गैस के बारे में पढ़ाऊं तो गैस के डिफिनाइट नो डिफिनाइट वॉल्यूम नो डिफिनाइट शेप। गैस के न को शेप होंद न को वॉल्यूम होंद गैस है no definite volume of its own but can contains volume of container देखे एकड़ो सिलेंडर ऑफ गैस है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चेब एकड़ो बलून है उन्हें में गैस भरल है तो उनके वॉल्यूम ऑफ बलून चेब टायर गाड़ी जो उन्हें में गैस भरल है उन्हें चेब वॉल्यूम ऑफ टायर तो गैस के पांच वॉल्यूम न होंद रीजन कड़ो है इनजो अ गैस हैज नो definite volume of its own because molecules are separated to each other separated from each other molecule ek de tha pare pare ne मालिक्यूलन के विच में स्पेस आए खाली जाया सेपरेट आयन परे परे आयन उन्होंने करे गैस के पांच वॉल्यूम कंसीडर ना कंदा पर जे कंटेनर में रखंदा उन्होंने वॉल्यूम कंसीडर सा कंदा नंबर टू आए नो डेफिनाइट शेप गैस के डेफिनाइट शेप ना है अ गैस हैज नो डेफिनाइट शेप अ गैस हैज नो डेफिनाइट शेप इन्हें जो कास केड़वा जै स्टेट ऑफ मैटर जा पार्टिकल एक जाए का बी जाए ते विंदा है आए उन्हें जी काइनेटिक एनर्जी हाई होंदी आए आए पांच जाए चेंज करना है उन्हें के वॉल्यूम शेप ना हो दो उन्हें के डेफिनाइट शेप ना हो दो गैस जा मालिक्यूल एक जाए का बी जाए ते विंदा है
उन्हें केप शेप ना है लिक्विड जा पार्टिकल बे हिक जाए खां बी जाए ते विंदा जे इनके वाटर में मिलायो ते इनके वाटर में फैल जी विंदी आ माना हिक जाए खां बी जाए ते वही उन्हें केप शेप ना है सॉलिड जा पार्टिकल है पानी जाए चेंज ना इन कंदा उन्हें के शेप हों दो आए ता गैस हैज नो डिफिनाइट शेप बिकॉज मॉलिक्यूल्स हैं फ्री टू मूव है फ्री टू मूव है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फ्रॉम वन प्लेस है टू एन अदर है तो हाँ गैस के वॉल्यूम ना है तो मॉलिक्यूल एक बेटा सेपरेट आए परे परे आए गैस के शेप ना है तो मॉलिक्यूल फ्री मूव करना है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अच्छा हाँ लिक्विड है लिक्विड जा पार्टिकल गजल होता है अ लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम है छाजेला उन्हें जा पार्टिकल है बल्क फॉर्म ही होता है बल्क मना मेड मजमू गंडियल गजल ही सेंटर मॉलिक्यूल इनके हेडा बा हिता मॉलिक्यूल हेठा बा मथा बा हिता बा हिता बा हिता बा हिता बा हिता बा हिता बा ऑल साइड का मॉलिक्यूल गड थे लिक्विड में तमाम लिटिल स्पेस आ बिटवीन द पार्टिकल ऐं लिक्विड जा मॉलिक्यूलर कंबाइन इन गजल इन उन जे करे लिक्विड के वॉल्यूम होंदो आए अ लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज़ मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टुगेदर मॉलिक्यूलर तमाम वेझा वेझा ऐं गजल आहिनि पाण में पर shape ना है a liquid has no shape a liquid has no shape liquid के पांजो shape ना है liquid has no shape because molecules free to move it because molecules free to move it molecular आसानी सा आजाद आना एक जाए खा बी जाए ते वेंदा आहिनि उन जे करे उन खे शेप ना आहे हूंदो अच्छा हाणे इन खां पोइ सॉलिड आ सॉलिड खे ॿई शयूं हूंदियूं आहिनि सॉलिड शेप बि रखे थो ऐं वॉल्यूम बि रखे थो सॉलिड अ सॉलिड हैज़ बोथ A solid has both definite shape and definite volume. भाई इन्हें क्या है ने? Shape बा, volume भी आए. Volume छो आए, तो solid गजल है ने. Pen आया, इन्हें जा particle गजल है ने. काब space ना आए, तमाम little space होंगी. तो पार्टिकल गजल आहिनि उन जे करे वॉल्यूम आहे सॉलिड जा पार्टिकल हिक जाइ खां ॿी जाइ ते ट्रांसफर न थींदा ट्रांसलेशनल मूवमेंट न आहे उन जे करे हिन खे शेप बि आहे पर पंहिंजी जाइ ते वाइब्रेट कंदा आहिनि टू एंड फ्रो पंहिंजी जाइ ते कंदा आहिनि पर ट्रांसफर न थींदा आहिनि हिक जाइ खां ॿी जाइ ते उन जे करे सॉलिड खे शेप बि आहे वॉल्यूम बि आहे गैस के न को शेप आ न को वॉल्यूम आ लिक्विड के वॉल्यूम आए पर शेप ना आए इन्हें का बाद में आए प्लाज्मा प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस के चेबो आ प्लाज्मा हाईली आयोनाइज्ड गैसेस हाईली आयोनाइज्ड गैसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा जिथे टेम्परेचर हाई होंदो आ
उते गैस मालिक्यूल है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, आउट कर चली दी उन्हें, इधर इलेक्ट्रॉन आउट थी मिंदा है ने, तब वो ये आयोनाइज्ड गैस है बा है ने, आयोन ने गैस की बल्क फॉर्म, आयोनाइज्ड गैस की बल्क फॉर्म की चिपका प्लाज्मा, तान ही यहाँ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, गैस लिक्विड सॉलिड प्लाज्मा, गैस लिक्विड सॉलिड के साथ उन्हें जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में था पढ़ा हुआ नहीं। काइनेटिक एनर्जी छाऊं दिया, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इन बॉडी, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इन बॉडी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इन अ बॉडी, जेकी मूवमेंट करे बॉडी, जैसे चुरपुर हुए उनमें काइनेटिक एनर्जी आ, जैकी रेस्ट में आ, जैकी पोजीशन में आए, जैमी मूवमेंट ना आए, उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला सब है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी KE, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इन अ बॉडी, पोजिशन इन अ बॉडी बगैर चुरपुर जे, बगैर मोशन मूवमेंट जे, उन्हें भी पोटेंशियल एनर्जी आ, जेकी बॉडी मूव करे, चुरपुर करे, मोशन रखे दी, उन्हें भी काइनेटिक एनर्जी आ। ट्रिनी स्टेट मा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या बटा गैसेस वट, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या बटा सॉलिड वट। ट्रिनी मा पोटेंशियल एनर्जी क्या बट घनी आ सॉलिड में घटे या ना है वह केमी गैसेज में। अच्छा आने गैस लिक्विड आई सॉलिड थे असा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में था पढ़ा हुआ नहीं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT ऐसा लिखना है यो, या ऐसा या ट्रेस है वो एक्सप्लेन कर दिया मेट्र जो द थ्योरी थ्योरी दैट एक्सप्लेन जेके एक्सप्लेन करे नंबर 1 अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स से, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के डिफाइन करे, नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सच पार्टिकल्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ सच पार्टिकल्स है, प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेन करे, नंबर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ पार्टिकल्स है, फिजिकल स्टेट केड़वा गैसा लिक्विडा सॉलिडा स्टेट ऑफ पार्टिकल्स है, अंडर द सेट ऑफ कंडीशन, अंडर द सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वह थ्योरी देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन करे, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन करे, आई फिजिकल स्टेट ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन करे, गिवन टेम्परेचर प्रेशर दे, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। पहला असा पढ़ों था यह थ्योरी गैसेस की,
एम्प्टी ऑफ गैसेज, अजम्पशंस ऑफ गैसेज या थ्योरी गैसेज जा अजम्पशंस के एक्सप्लेन थी करे, अजम्पशंस ऑफ गैसेज पहिरियों अज्यूम इहो आहे त गैस मॉलिक्यूल वाहिद स्टेट आहे जंहिं में पार्टिकल हिक ॿिए खां सेपरेट आहिनि, स्पेस अथनि विच में, ऐं उनजे करे उन जो वॉल्यूम पंहिंजो कंसीडर न आहे कयो वेंदो, ऐं जेकॾहिं स्पेस अथनि परे परे आहिनि त आसानीअ सां उन्हनि खे कंप्रेस बि करे सघूं था, त जंहिंजे विच में खाली स्पेस आहे सेपरेट आहिनि ऐं इज़ीली कंप्रेस कयूं ॿाहिरीं प्रेशर सां फोर्स सां दैट आर गैसेज। लिक्विड ऐं सॉलिड जे विच में तमामु लिटिल स्पेस आहे पार्टिकल जे दरमियान ऐं उन्हनि जी कंप्रेसिबिलिटी नियरली ज़ीरो आहे, उन्हनि खे कंप्रेस करण जी सलाहियत तमामु महदूद घटि आहे। त पहिरियों अज़ीम आहे केविटीअ जो द गैस मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड टू ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर दैट इज ए हैविंग ए निगलीजिबल वॉल्यूम, उनजे करे उन जो वॉल्यूम ना है न हुअण जे बराबर आहे, एंड इजी टू कंप्रेस एंड इजी टू कंप्रेस ऐं आसानी सां कंप्रेस करे सघूं था। मिसाल ई कंटेनर आहे, इन में गैस पार्टिकल भरियल आहिनि, ॾिसो हाणे जेके नंढिड़ा नंढिड़ा बाल्स आहिनि इहे सम्झो गैस पार्टिकल आहिनि सपोज, ऐं इन जे विच में स्पेस आहे, ॿाहिरां जेकॾहिं को प्रेशर या फोर्स अप्लाई कयां त इहे पाण में क्लोज थी वेंदा, वेझा अची वेंदा, ऐं दैट फेनोमेना इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। त आसानीअ सां कंप्रेस थी सघनि था बिकॉज दे आर सेपरेट टू ईच अदर एंड हैविंग एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। नंबर सेकंड आहे द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग कंदा आहिनि, द गैस मॉलिक्यूल से ट्रेवलिंग है इन स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ सीधो सीधो बट इन ए रेंडम डायरेक्शन, बट इन ए रेंडम डायरेक्शन। तव्हांखे ॿुधायो त गैस मॉलिक्यूल जी काइनेटिक एनर्जी सभिनी मैटर जे ॿियनि खां वधीक आहे, लिक्विड सॉलिड खां वधीक आहे, उनजे करे मूवमेंट कंदा आहिनि ऐं ट्रेवलिंग कंदा आहिनि सिधो, पर डायरेक्शन कहिड़ो हूंदो अथनि रेंडम, हेठि वञी सघनि था मथे वञी सघनि था कहिड़े बि तरफ़ वञी सघनि था, माना डायरेक्शन रेंडमली कंदा आहिनि पर वेंदा स्ट्रेट पाथ सां आहिनि। द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ बट इन ए रेंडम डायरेक्शन, ज़िगज़ैग हेठि मथे वेंदा, स्ट्रेट पाथ में कोलियन खां पोइ कहिड़े बि तरफ़ वञी सघनि था, डायरेक्शन इन्हनि जो रेंडम हूंदो। जॾहिं हिकु कंटेनर जे अंदरि हिकु कंटेनर जे अंदरि ॿ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कनि त उन्हनि जे एवरेज डिस्टेंस खे चइबो मीन फ्री पाथ है। मिसाल हिकिड़ो ई कंटेनर आहे, सपोज
हितां गैस मॉलिक्यूल हिन कंटी ने वाल सां टकराए अचे थो ऐं ॿियो मॉलिक्यूल वाल सां टकराए इन साॻी साॻे डायरेक्शन में वञे थो हिन जाइ ते ही ॿई टकराइजी विया ठीकु आहे टकराइण खां पोइ पंहिंजो पंहिंजो डायरेक्शन चेंज कंदा किथे बि वञनि हाणे हिन जेको डिस्टेंस तय कयो जेको हिन कयो इन ॿिन्ही जी मीन कढूं त इन चइबो मीन फ्री पाथ हिन तय कयो आहे 10 सेंटीमीटर हिन कयो आहे 20 सेंटीमीटर मिसाल त ही ॿई प्लस कयो 2 सां डिवाइड कयो 15 सेंटीमीटर इन जी मीन फ्री पाथ चयो वेंदो त एवरेज डिस्टेंस The average distance between Coulomb of gas molecule is known as mean free path. But gas molecule पाण में आम्हूं साम्हूं टकराइनि ऐं उन्हनि जे डिस्टेंस जी एवरेज कढूं त उनखे चयो वेंदो आहे मीन फ्री पाथ अचो हाणे इन खां पोइ पास्टुलेट नंबर अज़म्पशंस नंबर 4 गैस प्रेशर कीअं ठहंदो आहे नंबर 4 गैस प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर डेवलप थींदो आहे गैस प्रेशर इज ड्यू टू द कूलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कूलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद वाल्स ऑफ कंटेनर गैस मॉलिक्यूल जेतिरो वधीक दीवार सां टकराईंदा ओतिरो प्रेशर एग्जर्ट कंदा प्रेशर ठाहींदा गैस मॉलिक्यूल पाण में टकराइनि त उन्हनि सां प्रेशर डेवलप न थींदो गैस मॉलिक्यूल लाइक स्मॉल थिन बलून आहिनि उहे टकराईंदा वरी अलॻि थी वेंदा उन्हनि सां को बि प्रेशर न ठहंदो आहे ईअं सम्झो पर जॾहिं जंहिं कंटेनर में टायर में सिलेंडर में कंहिं में बि गैस भरियल आहे ऐं उन जा मॉलिक्यूल जॾहिं उनजी वॉल सां टकराईंदा आहिनि त प्रेशर डेवलप कंदा आहिनि ऐं इहो एतिरो प्रेशर ठही वेंदो आहे जो कॾहिं कॾहिं आयरन सिलेंडर धमाके सां फाटी पवंदा आहिनि एक्सप्लोड थी वेंदा आहिनि त गैस प्रेशर जेको ठहंदो आहे गैसिस जो बिकॉज ऑफ द कूलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कॾहिं कॾहिं टायर गाॾीअ जा बस स्टॉप थींदा आहिनि ट्रक जो टायर वॾो आहे उन प्रेशर घणो ठही वियो आहे ऐं उहो रिलीज़ न थियो आहे न कयो वियो आहे त धमाके सां टायर जेको मोटी रबड़ जो आहे ठहियलु उहो बि बस्ट आउट थी वेंदो फाटी पवंदो आहे ऐं इहे वाकिया घणा थींदा आहिनि तव्हां जेको आहे ठका ॿुधंदा आहियो ऐं उन सां टायर जेको आहे बस्ट आउट थी फाटी वेंदो त गैस प्रेशर ठहंदो आहे जॾहिं गैस जा मॉलिक्यूल उन्हनि जी दीवार सां कोलाइड कनि ऐं उन जे रिज़ल्ट मां गैस प्रेशर डेवलप थींदो आहे जेकॾहिं गैस मॉलिक्यूल पाण में टकराइनि त उन सां को बि प्रेशर न ठहंदो ऐं गैस मॉलिक्यूल जॾहिं टकराईंदा आहिनि त उहे इलास्टिकली कंदा आहिनि लचकदार टकराईंदा आहिनि इलास्टिक ऐं उन्हनि जे टकराइण सां कंहिं बि क़िस्म जी एनर्जी रिलीज़ न आहे थींदी The Coulomb of gas molecules is perfectly elastic.
परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजल्ट नतीजन नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस ना थी। पायो टकराइन सा या दीवार सा कैं किस्म की एनर्जी लॉस न थी, रिलीज न थी। गैस मालिक्यूल इलास्टिक तौर टकराइंदा आन। जो अस टेंस बार उछलो तो इलास्टिक से जंप कह को भी एनर्जी या फोर्स न लगन न एनर्जी उन्हें मां जया थी। तो गैस मालिक्यूल भी इन पा टकराइंदा तो कें किस्म की एनर्जी लॉस न कंदा। हाँ पंजो नंबर है बिन किस्म जो गैसेस पढ़ा घणो करे आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस उसे पान में मॉलिक्यूल अट्रैक्शन न कन, न को रिपल्सिव कन, न को अट्रैक्शन कन, उनके आइडियल गैस है। आम टेम्परेचर प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल गड हुजन पर एक बे के अट्रैक्ट न कन, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। इन एन आइडियल गैसेस आइडियल गैस देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल्स। Each particle quite independently to other. हर पार्टिकल एक बे का आजाद हों। मिसाल है कंटेनर आ हाइड्रोजन गैस भी ऑक्सीजन गैस भी है। इतने रूम टेम्परेचर आ प्रेशर आ ये बई एक बे के अट्रैक्ट न कंदा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है एक बे के अट्रैक्शन करे रिएक्शन करे नव मॉलिक्यूल ठाइंदा। इन बिन्हीं की पान में अट्रैक्शन न होंगी, माना ये आइडियल गैस जावेंदा। आइडियल गैस हुआ होंगी जैमी को भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल न हो। मोस्ट आइडियल असा टे नोबल गैसू चुने नोबल गैसेस चुने हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान। हाइड्रोजन भी आम टेम्परेचर प्रेशर से आइडियल गैस आ। जेस तई अस इन टेम्परेचर बढ़ाऊ न तेस तई हीट न कंदियों, छो तो इन अंदर स्ट्रांग बॉन्ड आ आम टेम्परेचर से ब्रेक न थी। पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बजाय हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम हों तो आइडियल गैस न रहा। दे आर रियल गैस, दे आर नॉन आइडियल गैस। तो ये एटम पा में मिली करो को मॉलिक्यूल ठाई सकता वाटर या हाइड्रोजन पराक्साइड। पर एटॉमिक फॉर्म ही दे बिकम नॉन आइडियल आर रियल गैस। ये ट्रिक कंदा पर आम गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म ही मिलंदा है ने आई रूम टेम्परेचर ते ये पाने में रिएक्ट न कंदा दे बिकम आइडियल गैसेस। ऐसा कंडीशन दे आइडियल के नॉन आइडियल कर सकूंदा। नंबर सिक्स आए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से डिपेंड्स
अपॉन द एब्सोल्यूट आर केल्विन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर दिया एब्सोल्यूट या केल्विन टेम्परेचर थे एट एनी गिवन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम कैम के टेम्परेचर थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबरी की सेम रहंदी आइडियल गैस वो है ने जिके अट्रैक्ट एंड रिपल्स फोर्स न रखने बिटवीन द पार्टिकल एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर दिया एब्सोल्यूट या केल्विन टेम्परेचर थे स्टैंडर्ड टेम्परेचर थे आई कैम टेम्परेचर थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबनी गैस जी सेम रहंदी आ मिसाल आए एग्जांपल आए हिकड़ो कंटेनर आ उनमें हाइड्रोजन गैस बा ऑक्सीजन गैस बा क्लोरीन गैस बा है टेम्परेचर सभी जो सेम आ 25 सेंटीग्रेड त काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी जो मास सा डायरेक्ट रिलेशन आए त हाइड्रोजन गैस की काइनेटिक एनर्जी सागे टेम्परेचर ते हाइड्रोजन गैस की काइनेटिक सेम टेम्परेचर ते लो होंगी तो ते इन्हें जो वेट आ बग्राम है क्लोरीन जो वेट आ 71 ग्राम आइने की काइनेटिक एनर्जी हाई होंगी एवरेज जो मतलब चाहे बिनी जा वैल्यू सम करे बिन साउंड कयूं टे गैसू आन टिनी जा काइनेटिक एनर्जी वैल्यू सम करे टिन सां डिवाइड कयूं काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन डिवाइड 3 बराबर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबनी जी काइनेटिक एनर्जी चेंज आ तो सभी जा मासेस चेंज इन तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू चेंज इंदा पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिदी सेम ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन की काइनेटिक एनर्जीज जोड़ के हो ट्रेन ट्रेन से डिवाइड के हो वह एवरेज आ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सागे टेम्परेचर ते सेम इंदिया पर काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर ते डिफरेंट थी इंदिया पर देख रहे हैं मिसाल हिते सा कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस या मॉलिक्यूल खणो बी काब न हो दे त सबनी मॉलिक्यूलन जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम इंदी आई काइनेटिक एनर्जी सबनी जी डिफरेंट इंदी भली वेट सेम हो दे भले वेट भी सेम हो जे उनके बावजूद काइनेटिक एनर्जी हर एक की डिफरेंट होंगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी जैसा पढ़ो से बोहर थ्योरी में तो बोहर थ्योरी में देखो टेम्परेचर करंट सप्लाई करना है क्रॉस ट्यूब के अंदर है क्रॉस ट्यूब के अंदर करंट सप्लाई करना है डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट छुदा क्यों तो सभी अमाउंट डिफरेंट एब्जॉर्ब कयो आई उन जी करे उन जी जंपिंग के डिफरेंट लेवल ते थी थी कहीं जी जंप सेकंड शेल में कहीं जी थर्ड शेल में जेतरी है ना जी जजब के ओतरो मते जंप करे हो तो देख रहे हैं सेम गैस मॉलिक्यूल सागे टेम्परेचर ते बेहुंदा तो उन्हें एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहती पर काइनेटिक एनर्जी उन्हें भी डिफरेंट थी सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ
गैस मॉलिक्यूल से ओके बाबा इनफ टुडे।